कर्नाटक के शिमोगा शहर के शंकरमठ रोड पर आज रात कत्ल की वारदात पेश आई है। ये वारदात आपसी रंजिश की वजह से बताई जा रही है। पाशा खान 36 साल इस वारदात में जख्मी होने वाला शख्स है। बताया जा रहा है कि पाशा खान की दुश्मनी असगर और दस्तगीर से थी। कारोबार में इख्तलाफात और रंजिश की वजह से पाशा खान और दस्तगीर के दरमियान पाई जाने वाली रंजिश आज इस कदर बदतर हो चुकी थी कि आज शाम को पाशा को शंकरमठ रोड पर चाकू घूम कर खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन वो जख्मी हुआ, जिसकी वजह से दस्तगीर ने इसे मुर्दा समझकर मौके पर छोड़कर फरार हो गया। बादशाह पाशा को मुकामी लोगों ने मेगान अस्पताल में दाखिल किया, जहां पर इसका इलाज जारी है। वहीं इस वारदात की इतला पाकर शहर में अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ है और लोग ये समझ रहे हैं कि कहीं ये फिरका वाराना तशद्दुद की वारदात तो नहीं है। पुलिस ने वाज़ह किया है कि ये ज़ाती रंजिश का मामला है, इसलिए लोग इसे अफवाहों में तब्दील ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, शिमोगा।